वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मैं पवन मिश्रा और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फोर्थ यूनिट का फिफ्थ पॉइंट करेंगे तो आज जो टॉपिक है रोल एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान तो इसके uh, फंक्शंस क्या है रोल एंड फंक्शंस की हम बात करेंगे कि जो डाइट है इसकी भूमिका और इसके कार्य तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे और आज जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन सॉरी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हम डाइट के बारे में जानेंगे डाइट क्या होता है ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइट कि डाइट की जो संरचना है वो किस तरह की है फिर रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के डाइट का क्या रोल है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका और लास्ट में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ डाइट कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के कार्य क्या हैं तो आज की इस वीडियो में हम ये चार पॉइंट्स कवर करेंगे तो सबसे पहले हम डाइट के बारे में जानते हैं तो डाइट क्या है डाइट इज एन एजेंसी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर प्लानिंग इंप्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग पेडागोजिकल एक्टिविटी इन द डिस्ट्रिक्ट कि डाइट ज़िले में शैक्षणिक गतिविधियों की योजना कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ज़िला स्तर पर एक एजेंसी है तो अब क्या है कि डाइट के बारे में है डाइट है क्या तो डाइट इज एन एजेंसी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कि डाइट क्या है जिला ल, ल, स्तर पर एक संस्थान है जो उस ज़िले में क्या उसका जो काम है कि जो भी आ, एजुकेशनल जो भी पैडागोजिकल एक्टिविटी हो रही है तो उसकी प्लानिंग का काम करता है इम्प्लीमेंटिंग uh, का का काम करता है मॉनिटरिंग का काम करता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्लानिंग है उन योजनाओं को लागू करना है उनको देखना है तो ये जो काम है एक किसका काम है डाइट का काम है अब हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइट की बात करते हैं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की संरचना तो इसकी हम बात करते हैं कि जो डाइट का जो स्ट्रक्चर है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो डाइट में जो जिनका अलग अलग काम है तो हम डाइट में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है हम उसकी बात करते हैं तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन ब्रांच जिसको हम पी बोलते हैं जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है इसको देखता है पूर्व सेवा शिक्षा संस्थान सॉरी पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा शाखा फिर वर्क एक्सपीरियंस ब्रांच कार्य अनुभव शाखा तो ये डाइट के अलग अलग ब्रांच हैं तो हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइट की बात करें तो इसके जो स्ट्रक्चर है इसके जो ब्रांच है हम उसकी बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट डी आर यू जिला संसाधन इकाई इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड इंट्रैक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन ब्रांच सेवाकालीन कार्यक्रम फील्ड इन इंट्रेक्शन और नवाचार समन्वय शाखा तो देखो इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट है तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का जो काम है ये कौन देखता है जो इनका पीएचडी जो शाखा है वर्क एक्सपीरियंस ब्रांच है वर्क एक्सपीरियंस का काम देखता है और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्कूल्स हैं उनमें जो रिसोर्स प्रोवाइड करना है तो जिला संसाधन इकाई है तो ये काम है और इन सर्विस प्रोग्राम जो भी ऑलरेडी जो टीचर्स हैं तो उनके लिए जो भी प्रस, आ, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं फील्ड इंट्रेक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन ब्रांच तो अलग अलग ब्रांच है जो अलग अलग एरिया में काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हमें ये ध्यान देना है कि जो डाइट इकाई है जैसे एन हम देखते हैं एन पूरे नेशनल लेवल पे काम करती है प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग तो उसी तरह से स्टेट लेवल पे एस काम करता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी एजेंसी काम करती है डाइट फिर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड ईवेल्यूशन ब्रांच सी की पाठ्यक्रम सामग्री विकास और मूल्यांकन शाखा तो आ, नाम से है कि इस जो आ, जो ये शाखा है जो ब्रांच इसका काम क्या है पाठ्यक्रम उसको देखना बनाना और मटेरियल डेवलप करना टीचिंग मटेरियल की हम बात करते हैं और मूल्यांकन शाखा ईवेल्यूएसन ब्रांच तो ये इसके अपने काम हैं इस ब्रांच के एजुकेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच ईटी जिसको हम कहते हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी शाखा फिर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ब्रांच पी एंड एम योजना और प्रबंधन शाखा तो ये डाइट के अलग अलग ब्रांचेस हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं फिर हम बात करते हैं रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कि डाइट की जो भूमिका क्या है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका तो सबसे पहले है टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कि जिला और उप जिला स्तरों के विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क मतलब हितधारक मतलब शिक्षा और जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इससे जुड़े लोग तो जो अलग अलग जो अधिकारी हैं जो आ, समाज के लोग हैं जो अभिभावक हैं, तो जिला और उप जिला स्तरों के विभिन्न हितधारकों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से जो शैक्षिक क्षेत्र की समस्या है उनका पता लगाना उनकी पहचान करना टू डिजाइन एंड कंडक्ट माइनर रिसर्च स्टडी ऑन वेरियस आस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर शोध अध्ययनों की योजना बनाना और उन्हें संचालित करना टू मोनिटर द एक्शन रिसर्च एक्टिविटी इन द डिस्ट्रिक्ट की जिले में क्रियात्मक अनुसंधान गतिविधियों की निगरानी करना ताकि जो शैक्षिक समस्या है उनका पता लगाया जा सके और उनके जो क्या समाधान हो सकते हैं उसका भी पता लगाना ट्रेन टीचर्स रिसर्च वर्कर इन कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च एंड टू प्रोवाइड रिसोर्स सपोर्ट डैम कि शिक्षक को प्रशिक्षित करना और अनुसंधान कार्यकर्ताओं को क्रियात्मक अनुसंधान कार्य के लिए संसाधन सहायता प्रदान करना टू शेयर रिसर्च फाइंडिंग्स तो इन कॉरपोरेट दोज इन डिस्ट्रिक्ट प्लान फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन रिस्पेक्टिव इंटरवेंसन की अनुसंधान निष्कर्षों को साझा करना और संबंधित उपायों द्वारा सुधार के लिए जिला स्तर पर योजना बनाना कि जो भी रिसर्च हो रहा है तो उसके निष्कर्ष क्या है उसको शेयर करना साझा करना और जो भी समस्या है उसका आवश्यक जो उपाय क्या है तो उन उपायों के लिए उन उपायों को इंप्लीमेंट करने के लिए लागू करने के लिए योजना बनाना अब हम फंक्शंस की बात करते हैं कि जो डाइट है इसके क्या कार्य हैं इसके क्या फंक्शन है तो ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन की प्रशिक्षण और अभिविन्यास चाहे हम बात करते हैं जैसे आपने डाइट का आप सब नाम सुनते हैं कि जो डाइट है जो प्री सर्विस सॉरी जो ई है जिसको डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन और डी है जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अलग अलग नाम से जाना जाता है जे बी टी डी एड तो इस तरह की जो प्री सर्विस जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है और जो इन सर्विस जो कोर्स है तो उसका प्रशिक्षण देता है डाइट तो ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, अकेडमिक रिसोर्स सपोर्ट टू एलिमेंट्री एंड अडल्ट एजुकेशन सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट थ्रू जिले में प्राथमिक और वैश्य शिक्षा प्रणालियों के लिए शैक्षणिक सहायता सॉरी शैक्षणिक संसाधन सहायता एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन के क्रियात्मक अनुसंधान और प्रयोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला स्तर पर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन ब्रांच कि जो हम बात कर रहे हैं कि जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा शाखा जो है तो जो ए ब्रांच है तो जो भी कोर्स है जैसे मैंने बोला कि दिल्ली में जो डाइट है तो इस कोर्स को डीपीएससी बोलते हैं ई भी बोलते हैं कई जगह तो उनकी देख रेख करना इनका काम है उस पूरे प्रोग्राम को देखना इम्प्लीमेंट करना जो हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो ये सारा जो काम है इन इस ब्रांच का है फिर करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन ब्रांच की पाठचर्या सामग्री विकास और मूल्यांकन शाखा जो ये सभी काम करती है एक्सपीरियंस ब्रांच कार्य अनुभव शाखा वर्क डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट डी आर यू फॉर एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन ब्रांच जिला संसाधन इकाई वयस्क और गैर औपचारिक शिक्षा शाखा वयस्क मतलब पंद्रह साल से ऊपर के लोगों को चाहे इनको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना और जो हम बात कर रहे हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन की वो बच्चे जो अभी तक स्कूल नहीं जा पाए हैं तो उनके लिए शिक्षा का उनके उम्र के हिसाब से उनके लिए उनको मेन स्ट्रीम में करने के लिए स्कूल से जोड़ने के लिए उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना तो डाइट में हमने जाना कि डाइट होता क्या है इसके रोल्स एंड इसके जो फंक्शंस क्या क्या है तो अक्सर हम कहते हैं कि आपने सुना होगा कि डाइट किया है आ, क्या कर रहे हैं डाइट तो डाइट क्या है एक इंस्टीट्यूशन है जो जिला स्तर पर काम करता है रिसर्च का इम्प्लीमेंटेशन का, का काम करता है जो स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिनकी पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिसर्च करता है डाटा कलेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या शिक्षा से संबंधित समस्याएँ हैं उसका पता लगाता है और उसके जो आवश्यक समाधान सम, है सम वो ढूंढता है और अपनी इस रिसर्च को स्टेट के साथ सेंट्रल के साथ उसको साझा करता है और इसके साथ साथ जो प्री सर्विस जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स हैं चाहे ईसीसी हो गया चाहे डीएलएड हो गया तो इस तरह के जो कोर्स करना है और टीचर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है प्रोफेशनल तो इस तरह के वर्कशॉप का भी आयोजन करता है डाइट तो अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद